इस टॉपिक का टाइटल है कॉजेज ऑफ री सबसे पहले इस टॉपिक इस के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब री ट्रांसमिशंस एंड देर कॉजेज इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं जो मटेरियल है वी हैव अडेप्टेड दैम फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक जिसका टाइटल है ट्रबल शूटिंग विद वायर शॉक लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। और ये बुक पब्लिश हुई 2014 में रीट्रांसमिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं बॉयशो कंसीडर्स ए पैकेट टू बी ए रिट्रांसमिशन इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए द सेगमेंट कंटेेंस डेटा और द सिंक बिट और द फिन बिट आर सेट टू 1 ये जो टीसीपी हैंडशेक में जब सिंक की बिट जनरेट होती है जब सिंक की सिंक्रोनाइजेशन uh, की बिट अगर 1 हो रही है और जब टीसीपी uh, का जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होता है तो फिन की जो बिट होती है वो भी वन होती है तो सिंह की बिट और विन की बिट अगर वन सेट है और सेगमेंट क्या कंटेन कर रहा है उसके अंदर डेटा कंटेन है एक कंडीशन ये होनी चाहिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा जो सीक्वेंस नंबर है इट इज नॉट एडवांस्ड इट इज नॉट एडवांस्ड बाय द सेगमेंट डुप्लीकेट एक्स बिन हैव नॉट बिन बाय हैव नॉट प्रिगर्ड द री जो सेगमेंट अराइव अरास दैन ग्री मिली सेकेंड लेटर दैन द प्रीवियस पैकेट विद द हाइस सीक्वेंस नंबर जो हाइस्ट सीक्वेंस नंबर है उससे क्या हो रहा है वो थ्री मिली सेकेंड से बियॉन्ड मुझे मिल रहा है तो ये जो पैकेट इस तरह की कंडीशन अगर मीट हो रही हैं तो आप क्या कहते हैं उसको री ट्रांसमिशन कहते हैं एक जो री ट्रांसमिशन होती है इट इज एट एट देंडर साइड वो क्या होती है इट ट्रिगर्स स्टैंडर्ड री ट्रांसमिशन तो सेंडर क्या, क्या कर रहा है एक आर्ट आर टी ओ या री ट्रांसमिशन का टाइमर आउट इसका एक टाइमर ऑन कर देता है और जू ही वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या करता है सेंडर्ड रिट्रांसमिशन जो स्टैंडर्ड रिस्मिशन वो ट्रिगर हो जाती है द आर टी ओ टाइमर इज़ यूज टू इंश्योर द डेटा डिलीवरी कंटिन्यूज इवन इफ द टी सी पी पेयर स्टॉप्स कम्युनिकेटिंग विद एक्स अगर तो उसे एक्नोलॉजमेंट्स मिलना भी बंद हो जाती हैं तो आर टी ओ ये इंश्योर करता है कि जो टी सी पी का जो डेटा डिलीवरी प्रोसेस है वो चलता रहे अब क्या होता है कि ईच टी सी पी होस कैलकुलेट्स एंड मेन्टेन्स एन आर टी ओ टाइमर अब ये जो आर टी ओ टाइमर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये जो राउंड ट्रिप टाइम होता है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एक स्टैटिक वैल्यू नहीं होती अगर हम एक स्टैटिक वैल्यू लेंगे मिसाल के तौर पर मैं एक वैल्यू लेता हूँ फाइव मिली सेकेंडस क्या हम फाइव मिली सेकेंड्स सभी पैकेट्स के लिए ले सकते हैं नहीं उसकी वजह क्या है कि जब एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो पैकेट्स होते हैं वो क्या एक ही पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं क्या एक ही कंजेशन होती है क्या एक ही लेटेंसी होगी एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर नहीं ये पैकेट टू पैकेट वेरी कर रही होगी तो अगर ये पैकेट टू पैकेट वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा जो राउंड ट्रिप टाइम है वो भी वेरी करेगा तो जब राउंड राउंड ट्रिप टाइम वेरी कर रहा है तो आपका जो आर है जो री टाइमर आउट की जो वैल्यू है वो भी वेरी करनी चाहिए उसे स्टैटिक नहीं होना चाहिए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेट्स से फाइव मिली नहीं होना चाहिए ये वेरी करता रहेगा और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होगा आपकी जो राउंड ट्रिप टाइम है जो करंट उसकी सिचुएशन है उसके ऊपर क्वेरी कर रहा होगा तो टीसीपी क्या करता है ये जो राउंड ट्रिप टाइम है इसको मॉनिटर करता रहता है और अपने आर को अपडेट करता रहता है सो द आर टी ओ वैल्यू कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली चेंजेस थ्रू द कॉन्वर्सेशन और ये एक वैल्यू नहीं होती अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया हुआ है हमारे पास एक लैपटॉप है ये लैपटॉप के ऊपर वायर शॉक चल रही है और वाइशॉक कनेक्टेड ये जो लैपटॉप है कनेक्टेड है स्विच के साथ स्विच कनेक्टेड है राउटर के साथ और राउटर कनेक्टेड है एक और स्विच के साथ और फाइनली हमारा क्या है सर्वर है तो हमारा क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं ये री ट्रांसमिशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप देखें सर्वर ने चार पैकेट्स जनरेट किए पहला पैकेट नंबर वन उसका सीक्वेंस नंबर है फाइव थाउजेंड और इस पैकेट में डेटा था 1460 बाइट्स का डेटा था दूसरा पैकेट जो है उसका सीक्वेंस नंबर है 6460, इसमें भी 1460 का बाइट्स का डेटा है तीसरा जो पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर है 7920, सेम अमाउंट ऑफ डेटा और जो चौथा पैकेट था उसके अंदर हमारे पास क्या है सीक्वेंस नंबर है 9380 प्लस 1460 का डेटा उसमें रखा ये चारों पैकेट्स क्या करता है सर्वर जनरेट कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है ट्वर्ड द क्लाइंट साइड हम अज्यूम करते हैं कि जो पैकेट नंबर थ्री है वो लॉस्ट हो जाता है जब पैकेट नंबर थ्री लॉस्ट हो जाता है तो अब जो, जो सेंडर है वो इसे रीट्रांसमिट कैसे करेगा तो री में क्या कर रहे हैं अगर आप देखें तो इसने क्या किया हुआ था सेंडर ने एक टाइमर यूज़ किया हुआ था और उसको हम कहते हैं रीट्रांसमिशन टाइमर आउट वैल्यू तो ये टाइमर स्टार्ट किया और जो ही ये टाइमर एक्सपायर होता है तो क्या करता है स्टैंडर इसको रिट्रांसमिट कर देगा और पैकेट नंबर क्या है थर्ड पैकेट विद सीक्वेंस नंबर सेवन नाइन टू जीरो और इसमें सेम डेटा मौजूद है तो ये एक रिट्रांसमिशन है तो री को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये री के कॉजेज़ क्या हैं जब एक टी होस्ट क्या करता है उसने पैकेट जनरेट करके भिजवा दिया तो उसका जो टाइमर है उसको ऑन कर दिया तो आर जो है जब वो एक्सपायर होता है तो वो क्या करता है उसकी एक्नोलमेंट अगर उस पैकेट की नहीं मिली तो सिंपली उस पैकेट को रिट्रांसमिट कर दो तो सेंडर रिट्रांसमिट द पैकेट डेटा पैकेट तो वो पैकेट जो अनएकनोलेज है और उसका आरटीओ भी एक्सपायर हो गया हुआ है तो सिंपली उसको रिट्रांसमिट कर दिया जाता है सेंडर को कोई आइडिया नहीं है कि जो पैकेट उसने जो भेजा था क्या वो पैकेट इट कहीं लॉस्ट हो गया है ड्रॉप हो गया है या रिसीवर को मिल गया है और उसकी एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस्ट हो गई है इसके बारे में सेंडर को, को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेंडर क्या करता है खामोशी से जो ही आर की वैल्यू एक्सपायर होती है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो सिंपली री ट्रांसमिट द पैकेट इस टॉपिक में हम लोगों ने जो रीट्रांसमिशन है उनकी उनको उसको अंडरस्टैंड किया और उसके कॉजेज़ को अंडरस्टैंड किया है